सीरियल भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आपको काफी सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी के हाथ लगा मलिष्का और ऋषि की शादी का कार्ड। चलिए इस खास रिपोर्ट में इसकी पूरी जानकारी देते हैं, जिसमें देखेंगे कि लक्ष्मी के हाथ शादी का कार्ड लगता है और कार्ड लक्ष्मी ऋषि को दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी कार्ड को देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और इतने में ऋषि रूम में आता है तो लक्ष्मी ऋषि को कार्ड दिखाती है और वो कार्ड देखकर ऋषि काफ़ी शॉक्ड रह जाता है। और अब क्या करे, तो ऋषि कहता है कि शायद प्रिंटर की गलती से ये सब कुछ हो गया है, तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह ऋषि बच जाता है और इतने में ऋषि काफ़ी रिपीट और इतने में ऋषि को काफ़ी छींकें आने लगती हैं, क्योंकि ऋषि काफ़ी भीग गया था। तो लक्ष्मी उसकी केयर करने लगती है और उसके दिमाग से निकल जाता है और लक्ष्मी सब कुछ भूलकर ऋषि की केयर करने लगती है। और ऋषि जब बाथरूम में जाता है तो वो कहता है कि मैं बाल बाल बच गया, और वो सोचता है कि रोज़ रोज़ कुछ ऐसा होता है जिससे लक्ष्मी मेरे ऊपर शक करने लगती है। लेकिन लक्ष्मी के दिमाग में एक बात चल रही है कि ऋषि मुझसे कुछ छुपा रहे और मलिष्का और ऋषि के बीच कुछ चल रहा है। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आपको काफ़ी धमाके पर धमाके देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी जिस शॉप पर जाती है तो वहीं पर ऋषि मलिष्का को लेकर चला जाता है और दोनों के बीच में ऋषि फंस जाता है। और तभी वहीं पर दादाजी और विराज भी पहुंच जाते हैं। तो लक्ष्मी मलिष्का को देखकर बोलती है कि इस लहंगे में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ये लहंगा तो मैंने पसंद किया था और ये तुम्हें मधु ने कब दे दिया। और वहाँ पर खड़े सारे लोग शॉक रह जाते हैं। और तभी मधु बोलती है कि ये तो इनके पति ने बोला था इनको देने के लिए। और विराज काफ़ी हैरान होता है कि मैंने तो ये बात बोली ही नहीं, फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। और ऋषि ये बात सुनता है तो काफ़ी डर जाता है कि कहीं अब सबको सच पता ना चल जाए। तो दोस्तों देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो क्या ऋषि का सच सबको पता चल जाएगा। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आपको काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मलिष्का ने लगाया लक्ष्मी पर चोरी का इल्ज़ाम। चलिए इस खास रिपोर्ट में इसकी पूरी जानकारी देते हैं, जिसमें देखेंगे कि मलिष्का ऋषि और लक्ष्मी को एक साथ देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो एक प्लान बनाती है। जी हाँ दोस्तों, मलिष्का और उसकी मॉम और उसकी बुआ तीनों एक प्लान बनाती हैं कि लक्ष्मी को ऋषि से कैसे दूर किया जाए। और वो घर के गहनों की चोरी का इल्ज़ाम लगाती है लक्ष्मी पर और पुलिस भी आ जाती है, जिसे बुआ ने बुलाया है। तो लक्ष्मी पर गहनों की चोरी का इल्ज़ाम लगता है तो पुलिस लक्ष्मी को लेकर जा ही रही होती है। तो ऋषि और उसके पिता और आयुष ये तीनों मिलकर लक्ष्मी को बचाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन जाने नहीं देते। और ऋषि और मलिष्का की शादी हो चाहे ना हो, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी की दूरियां ज़रूर ख़त्म होकर रहेंगी। तो दोस्तों देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ, तो शो में और कौन कौन से ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं तो अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।